तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं डिस्कशन कर रहा था कक्षा दसवीं विषय गणित को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है, अध्याय दो से संबंधित मैंने आपको दो महत्वपूर्ण पार्ट बता दिए हैं, जहां पर टोटल मैंने चार क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की इस क्लास में फिर मैं आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। तो इस तरह से अध्याय दो में आपको छह क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। छह में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आ जाइए, सबके सब मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की सेशन का आनंद उठाइए। आ जाओ, तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023 के बारे में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अध्याय दो, दो चरों का रैखिक समीकरण, और आज हम पढ़ेंगे भाग थ्री के बारे में। भाग थ्री में दो प्रश्न समझाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। और ये देख लीजिए, हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका स्क्रीन में, देखो। चलो, समीकरण को हल कीजिए आलेख विधि द्वारा, और यह क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2018 सेट एबीसी। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं बच्चों कि दो समीकरणों को हल करने के हम तीन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में तीन मेथड के बारे में जिक्र किया गया। पहला मेथड हमारा था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हमारा मेथड था विलोपन विधि, और तीसरा आज मेथड हम सीखने वाले हैं आलेख विधि के बारे में। दोनों मेथड के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले आलेख विधि में कैसे हम समीकरणों को हल करते हैं। तो बस आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन में दिया गया है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, दो समीकरण दिया गया, दोनों समीकरणों को हमें आलेख विधि से हल करना है। बिल्कुल कर देंगे भाई, आ जाओ देख लो। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा हल, पहले लाइन में करेंगे क्या, जो हमें समीकरण दिया है उसी समीकरण को पहले लाइन में मैं उतार लूंगा। तो दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, चलो क्या क्या समीकरण दिया है इसको हम लिखते हुए चलते हैं। तो पहले नंबर का हमें समीकरण दिया गया है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। क्या दिक्कत है अगर मैं इसको समीकरण नंबर एक मान लूं? दिक्कत क्या है, हमने मान लिया समीकरण नंबर ये एक हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को मैं दूसरा समीकरण मान लूंगा। तो ये हमें दिया गया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये दिया गया 15, यानी कि 15। क्या दिक्कत है अगर मैं इसको समीकरण दो मान लूं? तो समीकरण दो हमें मिल चुका है, दो समीकरण मिल चुका है, दो समीकरणों को हमें आलेख विधि से हल करना है, मतलब कि x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, कर लेंगे, दिक्कत नहीं। देखो, अब हमें इसको आलेख विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर लिखने वाला हूं समीकरण एक से। ठीक है भाई, समीकरण एक से, देखो समीकरण एक से। तो एक बार समीकरण एक को मैं फिर से उतारूंगा, तो ये हो गया 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हमें दिया गया 20। अब हम यहां पर करेंगे क्या, देखो यहां पर हम ये करेंगे कि x के विभिन्न मान रखेंगे, x के हम अलग अलग मान रखते जाएंगे, तो वहां से हमें y का अलग अलग मान मिलते जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा, देखो देखो, सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखकर देखता हूं, क्या रखूंगा, x बराबर 0 रखने पर, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं x बराबर 0 रखने पर या 0 रखने पर, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, यदि करके लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि x बराबर 0 लेने पर तो y का मान क्या आएगा, अब इसको हम चलते हैं रफ में सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं इस समीकरण में x बराबर 0 लेने वाला हूं, तो समीकरण हमारा ये था 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। मैं बोल रहा हूं कि x की जगह आपको लेना है 0, 0 को मैंने लिखा माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए सर आगे की कहानी सुनिए। तो चार का गुणा हम करेंगे 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20। तो y का मान हमें ज्ञात करना है, तो 20 के बटे में आ जाएगा ये पूरा का पूरा ऋण 5 आ चुका, 5 एकम 5 और ये चला जाएगा 4 बार में 5 24, यानी कि अगर मैं y बराबर निकालूं तो मुझे y बराबर मिल चुका है ऋण 4। y बराबर क्या मिल चुका है बच्चों, ऋण 4 मिल चुका है। तो यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर हमें मिल जाता है ऋण 4। क्या मिल गया, ऋण 4 प्राप्त होता है, लिख देते हैं प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, चलो सर यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है। अब इसको पहले हम यहां से मिटाते हैं, ठीक है, चलो चूंकि हमने यहां पर इसको रफ में किया था इसको मिटा देते हैं। चलो,
तो एक बार मैंने 1 = 5 लेकर रखा तो यहां पर वा बराबर मुझे मिल चुका ऋण 4। अब मैं क्या करूंगा, 1 = अब की बार यदि मैं देखो यदि यदि 1 = चलो मैं अब ले लेता हूं 5। जरूरी नहीं है कि 5 ही ले, आप चाहे तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, जितना मन करे आप उतना ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर ले लिया 1 = 5। तो 1 = 5 लेने पर इसी समीकरण में समीकरण 1 में हम 1 = 5 लेंगे तो वाई का मान क्या आएगा। चलो अब इसको रफ में फिर से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण हमारा ये था 4x - 5y = 20। ये था हमारा समीकरण। मैं बोल रहा हूं कि 1 = 5 रख लो, रख लेते हैं आ जाओ। तो ये हो जाएगा 4, x की जगह मैंने 5 रखा है, ऋण 5y = ये हो जाएगा 20। तो 4 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 + 24 हो जाएगा -5y = ये हो गया 20। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां का 20 और यहां का 20 दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता, इसको पक्षांतर करता तो ऑलरेडी यहां पर धन 20 बैठा हुआ है और ये धन 20 उधर जाकर ऋण 20 में बदल जाता, तो एक धन 20 और एक ऋण 20 कैंसिल हो जाते, तो सीधा सीधा हमें यहां पर मिल गया -5y = 0 मिल चुका है। क्या मिल चुका, 0। तो मुझे तो निकालना है वाई का मान, तो 0 / ये हो जाएगा ऋण 5। अब 0 / में कुछ भी हो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो अगर मैं दिए गए समीकरण 1 में 1 = 5 रखता हूं तो मुझे y = मिल चुका है 0। y = क्या मिला, 0 प्राप्त हुआ। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्राप्त होता है। ठीक है सर, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया क्या? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आपका 50% काम हो चुका है। तो जैसे हमने अभी समीकरण 1 के लिए की था उसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए करेंगे। उससे पहले हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, जिसका जिसका हमें मान प्राप्त हुआ है उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। सुंदर सा टेबल, आ जाओ एक टेबल बना लेते हैं। देखो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, देखो ठीक है, आ जाओ। ठीक है देखो, यहां पर मैं टेबल बनाने वाला हूं। दो लाइन मैंने यहां से ड्रॉ किया, एक लाइन आओ, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो मैं स्ट्रेट लाइन लेके बनाऊंगा इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, दूसरे कलर से लूंगा। ठीक है चलो आ जाओ, कलर भी चेंज कर देते हैं। देखो कौन सा कलर ले लूँ, चलो ये वाला कलर ले लिया। चलो ठीक है आ जाओ, टेबल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों आ जाओ, टेबल बनाते हैं। तो टेबल हम बनाने वाले हैं, अच्छा से टेबल बनाएंगे। देखो ये टेबल बनने वाला है, ठीक है, आप अच्छे से टेबल बनाना। मैं थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा लेकिन आपको एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन लेकर टेबल बना लेना। ठीक है सर, देखो यहां पर मैंने किया 1 = y लिखेंगे और यहां पर हम 1 = y के मान लिखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा हमारा टेबल बन जाएगा। अब इसमें हम रखेंगे क्या, देखो ऊपर में लिखाएगा हमारा 1 का मान और नीचे में लिखाएगा हमारा y का मान। तो जब मैंने दिए गए समीकरण 1 में 1 = 0 लिया तो y = हमें क्या मिला, ऋण 4 मिला। टेबल फिगर में आ गया, 1 = जब हम 0 लेते हैं तो y = हमें मिलता है ऋण 4। चलो सर यहां तक क्लियर है। फिर हमने 1 = जब ऋण 4 लिया, ऋण 4 लिया क्या, 1 = 5, 1 = 5 लिया ना, तो 1 = जब हमने 5 लिया तो y = हमें मिला था 0। तो y = यहां पर आ जाएगा 0। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और लंबा ले सकते हो, अगले स्टेप में आप 1 = 10 ले सकते हो, फिर 15 ले सकते हो, फिर 20 ले सकते हो, लेकिन यहीं तक आपका काम हो जाएगा। तो हम इसको फालतू में लंबा क्यों करेंगे, यहीं तक इसको ब्रेक कर देंगे। अगर आपको मन है कि और सर इसको लंबा करते हैं तो आप बिल्कुल इसको लंबा कर सकते हो भाई, आराम से। ठीक चलिए, तो समीकरण 1 के लिए हमने टेबल बना लिया, तो जैसे हमने हल किया था उसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए हल करेंगे। आ जाओ, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है भाई आ जाओ, तो समीकरण 2 से चलिए बोलिए, समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, तो ये था 3x + 5y फिर क्या था = 15। ये था हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, पहले तो x = ले लेंगे 0। यदि 1 = 0 हो तो, यदि 1 = 0 हो तो दिए गए समीकरण में हमें y का मान क्या मिलेगा, चलो इसको रफ में समझते हैं। तो हमें जो दिया गया समीकरण है वो ये है 3x + 5y = ये है 15। मैं बोल रहा हूं कि 1 = 0 रख लो, रख लेते हैं आ जाओ। तो ये हो गया 3 × आ जाएगा 0 + 5y = ये हो चुका 15। 3 का गुणा करेंगे 0 से तो 0 आ गया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर केवल मिल चुका 5y = 15। हमें y का मान निकालना है तो हम 5 को करेंगे पक्षांतर, गुणा वाला जाता है भाग में, तो 5 = 5, 5 + 15, तो y = हमें मिल चुका 3। y = क्या मिल चुका, 3 मिल चुका। तो यदि 1 = 0 हो तो y = 3 प्राप्त होता है। चलो सर 3 प्राप्त हमें हो चुका, ठीक है
तीन प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है। ठीक है, चलो इसको वापस मिटाते हैं। ठीक है, यहां से मिटाते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, एक बार एक सौ बराबर पांच रख लेते हैं, आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, यदि एक सौ बराबर पांच हो तो दिए गए समीकरण में हम एक सौ बराबर पांच रखेंगे तो हमें y का मान क्या मिलेगा। तो दिया गया समीकरण हमारा है 3x + 5y = 15। मैं बोल रहा हूं कि एक सौ बराबर पांच रख लो, रख लेते हैं, आ जाओ। तो तीन, फिर y का x का मान रखेंगे पांच, फिर धन पांच वाई को मैंने लिखा बराबर, ये हो चुका 15। ठीक है सर, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, तो देखो तीन का गुणा मैं करूंगा पांच से, तो ये हो जाएगा 15, धन ये हो जाएगा पांच वाई बराबर ये हो चुका 15। तो देखो यहां का 15 और यहां का 15 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5y = हमें मिल चुका 0। 5y = क्या मिल चुका, 0 मिल चुका सर। ठीक है, तो वाई बराबर 0 बटर आ जाएगा 5, 0 के बटर में कुछ भी रहे उसका मान 0 ही होता है। तो यदि हम दिए गए समीकरण दो में एक से बराबर 5 रखते हैं तो वाई का मान हमें मिलता है 0। वाई का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। लो सर, हमने समीकरण दो का भी काम तमाम कर दिया। ठीक है, समीकरण दो को भी हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो जैसे समीकरण एक के लिए हमने टेबल बनाया हुआ था, उसी प्रकार से हम समीकरण दो के लिए टेबल बनाने वाले हैं। आ जाओ, अब बनाते हैं टेबल। देखो तो फिर से वही टेबल बनाने वाले हैं। तो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, बना दिए। फिर यहां से भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बना दिए। फिर यहां से भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाना, इसको भी बना दिए सर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर मैं कर दिया। ठीक है, एक लाइन यहां से बनाएंगे, एक लाइन मैंने यहां से खींच दिया। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, देखो तो यहां पर आएगा x का मान और यहां पर आएगा y का मान। तो जब हम दिए गए समीकरण नंबर दो में x बराबर मैंने 0 रखा तो y का मान हमें मिला हुआ 3। y का मान क्या मिला, 3 मिला। फिर हमने x बराबर जब 5 रखा तो y का मान मुझे मिला है 0। y का मान क्या मिल चुका, 0 मिल चुका। इतना आपने काम किया है तो पूरा 70% आपका काम हो चुका है। अभी तक हमने क्या क्या किया है, तो दिए गए समीकरण को सबसे पहले हमने लिखा, फिर समीकरण एक से उसको हल किया। एक बार हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान मिला, सेकेंड में हमने x बराबर 5 रख लिया तो y का पुनः में दूसरा मान प्राप्त हुआ। मतलब कि क्या हुआ कि दिए गए समीकरण में हम x के अलग-अलग मान रखते जा रहे हैं तो y के हमें अलग-अलग मान प्राप्त होते जा रहे हैं। सेम हमने यहां पर किया है समीकरण 2 के लिए, x का अलग-अलग मान रखते गए हैं तो हमें y का अलग-अलग मान मिलते गया है। ठीक है, हमें अब यहां से दो सारणी मिल चुके हैं। अब इन दोनों सारणी को ना हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना है क्योंकि हम आलेख विधि से इसको सॉल्व करना जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे। आ जाओ, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो आपको एक लाइन यहां से ड्रॉ करना है, चलो कर देते हैं। एक लाइन मैंने यहां से बना दी, ठीक है, ये देखो। फिर एक लाइन यहां पर मैं बनाऊंगा क्षैतिज लाइन, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर लाइन और ये क्षैतिज लाइन, दोनों के कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो मैंने इसको बोला ओ, क्या बोलते हैं ओ, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। इसको खैर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं 0 0। तो ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, ठीक है बच्चों, आ जाओ। फिर देखो यहां पर हमारा ये ग्राफ इनकम्प्लीट सा लग रहा है क्योंकि हमने ये एरो का निशान नहीं बनाया है। तो चारों तरफ आपको एरो का निशान ये लगा देना है, चारों तरफ आपको एरो का निशान लगा देना। ठीक है सर, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब देखो इधर हमारा आता है एक्स अक्ष, क्या आता है, एक्स अक्ष आता है। मैंने यहां पर लिखा एक्स अक्ष, ठीक है। इसके विपरीत साइड हमारा आता है एक्स, ठीक है, एक्स डैश अक्ष आ जाता है। यहां पर मैंने लिखा एक्स डैश अक्ष, मतलब कि एक्स के जो ऋणात्मक वाले मान है वो इस साइड लिखाते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारा आता है वाई अक्ष आता है, क्या आता है, वाई अक्ष आता है। और इसके अपोजिट साइड हमारा आता है वाई डैश अक्ष आता है। हमने ग्राफ को अच्छे से बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर हम करेंगे क्या, देखो तो जीरो के बाद अगर हम x अक्ष की ओर चलेंगे तो सारे के सारे जो मान प्राप्त होंगे वो धनात्मक में आएंगे। चलो सपोज यहां पर आया एक, फिर यहां पर आया दो, फिर यहां पर आया तीन, और यहां पर हमारा आया चार। चलो एक और ले लेते हैं, यहां पर आ चुका हमारा पांच। ठीक है सर, पांच तक हमने यहां पर ले लिया। सेम यहां पर भी करेंगे लेकिन ऋणात्मक में आएंगे, तो यहां पर आ चुका ऋण एक, फिर आ जाएगा ऋण दो, फिर आ जाएगा ऋण तीन, और हम लिख लेते हैं फिर ऋण चार। डिस्टेंस सभी जगह इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे ये हो गया एक, फिर ये हो जाएगा दो, फिर ये हो जाएगा तीन, फिर यहां पर हम लिख लेते हैं चार को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक,
बात क्लियर है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम इधर लिखेंगे तो वाई डैश में लिखेंगे वाई का ऋणात्मक मनाता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा ऋण एक, फिर आ जाएगा ऋण दो, फिर आ जाएगा ऋण तीन, फिर यहां पर आ जाएगा ऋण चार। सभी जगह डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। हमने ग्राफ बना लिया तो जो जो हमें सारणी प्राप्त हुए थे ना उसको हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, मुद्दा यह है कि सर कैसे करेंगे। देखो तो सबसे पहले मैं समीकरण एक के बारे में बात करूंगा। तो समीकरण एक से हमें निम्न सारणी प्राप्त हुआ, तो यहां पर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं समीकरण एक से निम्न सारणी प्राप्त हुए। चलो ठीक है, उसी प्रकार से हम यहां के लिख लेते हैं तो समीकरण दो से निम्न सारणी प्राप्त हुए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा समीकरण एक से मिले हुए सारणी पर। तो जब हम एक से बराबर जीरो रखते हैं तो देख लो बच्चों, यहां पर आते हैं अपने ग्राफ पर। तो एक से बराबर जब हम जीरो रखते हैं तो y का मान आता है ऋण चार। क्या आता है? ऋण चार आता है। तो एक से बराबर जीरो, यहां पर आया तो एक से बराबर जब हम जीरो लेते हैं तो वाई का मान क्या आता है? ऋण चार आता है। तो किधर की ओर जाएंगे तो ऋण चार मिलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक रहता है, तो हमें नीचे की ओर चलना पड़ेगा। तो यहां पर आया हमारा ऋण चार। क्या आया? ऋण चार आया। तो एक से बराबर जीरो लिए तो y का मान क्या आया था? ऋण चार आया था, यानी कि इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा ऋण चार हो जाएगा। हमने निर्देशांक को भी अच्छे से लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वापस आते हैं टेबल पर और देखते हैं। तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक से बराबर जब हमने पांच लिया तो y का मान आया हुआ है जीरो। तो एक से बराबर पांच किधर की वो चलेंगे? ये पूरा एक से अक्ष का मान होता है, अगर इस साइड जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, तो हमें चाहिए धन का मान, ठीक है। तो एक से बराबर पांच, देखो एक से बराबर पांच कहां पर आया? ये यहां पर आया। कहां पर आया? ये यहां पर आया। तो एक से बराबर जब हमने पांच लिया तो वाई का मान आया हुआ है जीरो। तो वाई का मान कहां पर आएगा? ये यहां पर आएगा जीरो पे, यहां पर आया। तो इसका कटान बिंदु हमें यहां पर मिला, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? जब हम x का मान लिए हैं पांच तो y का मान आया हुआ है जीरो। मैंने इसका भी निर्देशांक लिख दिया, इस बिंदु का निर्देशांक लिख दिया, क्या मिला हमें? पांच शून्य मिल चुका, ठीक है सर। अब इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हम मिला देंगे, बड़े आराम से मिला देंगे। चलो मिला देते हैं। देखो तो मिलाने कैसे, देखो मैंने ऐसे इसको मिला दिया। देखो बच्चों एकदम स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब दोनों साइड हमें लगा देना है एरो का निशान। दोनों साइड क्या लगा देना है? एरो का निशान लगा देना है। दूसरे कलर से लिखता हूं इसको, दूसरे कलर से लाइन ड्रॉ करता हूं। देखना मैं बोल रहा हूं कि इसको और इसको आपको मिला देना है, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों कटान बिंदु को हमने यहां पर अच्छे से मिला दिया, अच्छे से मिलाना, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा और अच्छे केयरफुली मिलाता हूं इसको। देखो ये मिल चुका, ये देखो दोनों मिल चुका, दोनों तरफ हम एरो का निशान बना देंगे। देखो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, एरो का निशान बनाऊंगा, क्योंकि ये इसकी जो लंबाई होती है वो अनंत तक होती है। तो दोनों तरफ हमने एरो का निशान बना दिया। और ये कौन से समीकरण के लिए था? तो पहले नंबर के लिए समीकरण के लिए था, तो उस समीकरण को भी हम यहां पर लिखना चाहेंगे, ठीक है। चलो लिख देते हैं। तो पहला वाला समीकरण क्या था? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 के लिए हमने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना ली। स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। तो पहले वाले समीकरण के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन अच्छे से बना लिया, अच्छे से ड्रॉ कर लिया। सेम काम करेंगे, जो हमें समीकरण दो को हल किया तो निम्न सारणी प्राप्त हुए, इस सारणी को भी हम ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाले हैं। तो एक से बराबर जब हमने जीरो रखा, चलो एक से बराबर जब हम जीरो रखेंगे तो जीरो कहां पर आएगा? ये यहां पर आएगा। कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो एक से बराबर जब जीरो रखे तो वाई का मान आया हुआ है तीन। तो वाई का मान धनात्मक तीन है, तो किस तरफ चलेंगे? इस तरफ चलेंगे, ये यहां पर आ गया। तो इसका कटान बिंदु, इसको और इसको मिलाएंगे तो इसका कटान बिंदु हमें मिल जाएगा। जब हमने एक्स का मान रखा जीरो तो वाई का मान हमें मिला हुआ तीन, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है सर।
वापस आते हैं अपने टेबल पर और देखते हैं, एक्स बराबर जब हमने 5 रखा तो वाई का मान आ रहा है 0, तो एक्स बराबर 5 रखते हैं। यहां पर हमें मिला एक्स बराबर 5, क्योंकि इधर ही रखेंगे ना, क्योंकि धनात्मक पूछा है। देख लो एक्स का मान किस में, धन में है, तो हमें इस तरफ चलना पड़ेगा ना कि इस तरफ, ठीक है। तो एक्स बराबर हमने जब 5 लिया तो वाई का मान क्या आया है, तो वाई का मान हमें मिला हुआ 0, यानी कि यहां पर आ जाएगा। तो दोनों के कटान बिंदु को फिर से हम मिला देंगे, आ जाओ दोनों कटान बिंदु को हम इस तरह से मिला देते हैं। ये देख लो हमें यहां पर एक और सरल रेखा प्राप्त हो चुकी है। चलो एक और सरल रेखा हमें मिल चुकी है, यहां पर देख लो मैंने दोनों साइड लगा दिया एरो का निशान। तो दोनों समीकरणों को मैंने पहले हल किया, दो सारणी प्राप्त हुए, दोनों सारणी को मैंने ग्राफ पर प्रदर्शित किया, तो हमें यह दिखता है कि दो हमें सरल रेखा प्राप्त होते हैं। यह पहले वाले समीकरण के लिए था और यह दूसरे वाले समीकरण के लिए था। तो इस पर मैं दूसरा वाला समीकरण भी लिख देना चाहूंगा, 3x + 5y। ये जो हमें रेखा प्राप्त हुआ है वो कौन से समीकरण के लिए था, 3x + 5y = क्या था, 15। तो यहां पर आ जाएगा 15। ये दूसरे वाले समीकरण के लिए हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुआ और ये पहले वाले समीकरण के लिए सरल रेखा प्राप्त हुआ। दोनों जो रेखा है, दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे को यहां पर काट रही है। कहां पर, यहां पर काट रही है, देख ले बच्चों यहां पर काट रही है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें दो रेखा प्राप्त हुए, रेखा एक और रेखा दो, चूंकि रेखा एक और रेखा दो दोनों एक दूसरे को 5 शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः हमारा समीकरण का हल क्या होगा, 5 शून्य होगा। जहां पर ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, वो x का मान होगा और जो 0 दिख रहा है वो y का मान हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप x और y का मान आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब इस बात को हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कैसे, देखो यहां पर मैं एक न्यू पेज एड करता हूं। अब यहां पर मैं लिखता हूं, देखो दोनों रेखा को हम लिखे, दोनों रेखा के बारे में हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे कैसे, देखो देखो रेखा एक व दो, रेखा एक व दो एक दूसरे को, एक दूसरे को बिंदु बिंदु कहां पर, 5 शून्य पर प्रतिच्छेद करते हैं, 5 शून्य पर प्रतिच्छेद करते हैं, फिर काटते हैं, करते हैं। अतः समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय मतलब कि एक ही हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। क्या क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर यहां पर आ जाएगा 0, सॉरी x का मान यहां पर 5 है, तो यहां पर आपको लिखना है x बराबर 5। देखो ये हो जाएगा, देखो इसको मिटाता हूं पहले, चलो एक्स बराबर हो जाएगा 5 तथा वाई बराबर हमें मिल जाएगा 0। वाई बराबर क्या मिल चुका है बच्चों, 0 मिल चुका है। तो इस तरह से दिए गए समीकरणों को आप आलेख विधि से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, ग्राफ में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, सुंदर सा आपको पूरा में पूरा अंक मिलने वाला है। थोड़ा सा लंबा बन सकता है लेकिन पूरे में पूरा अंक अगर आपको पाना है तो ये स्टेप तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। देख लीजिए जैसे जैसे मैंने हल किया बच्चों, उसी तरह से आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है और इसको एज इट इज हल करना है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं, देखो यहां पर हमें दो रेखाएं प्राप्त होती है, दो समीकरण के लिए हमें दो सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर दोनों सरल रेखा जो है, अगर दोनों सरल रेखा जो है वह एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो समीकरण के एक अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अच्छे से ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हमें दो समीकरण मिलते हैं, दोनों समीकरण को हम हल करते हैं तो दो सारणी प्राप्त होते हैं, उन सारणी को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो दो हमें सरल रेखा प्राप्त होते हैं। अब मेरी बात सुनना, अगर दोनों सरल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं अतः उस समीकरण के एक अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अगर क्या होगा, अगर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, अगर ये है हमारा ग्राफ, ये हमारा क्या ग्राफ है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है, मैंने क्या बोला, अगर दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों कभी भी एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं तो हमारा हल क्या निकलेगा, वहां पर इसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक साल पूछ लिया गया था, तो आपको याद रखना है कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो, तो तब के केस में क्या कहेंगे कि समीकरण के एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अगर दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं तो कोई भी हमें हल प्राप्त नहीं होते हैं। अगर क्या होगा देखो, यहां पर मैंने बनाया ग्राफ, पहला वाला रेखा हमें यह मिला और इसी के ऊपर में हमें दूसरी रेखा प्राप्त हो गई, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती होते हैं, तब के केस में हमें समीकरण के अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर में है, तो एक दूसरे को कई जगह से क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में है। तो तीन कंडीशन मैंने बता दी। पहले कंडीशन में क्या था कि अगर दोनों रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि अगर दोनों रेखा जो है एक दूसरे के समांतर है तो कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होता है। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि अगर दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो समीकरण के अनेक हल प्राप्त होते हैं। तीन कंडीशन मैंने बता दिया, चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो, चाहे तो अपने दिमाग में रख लो। ठीक है बच्चों, मैंने तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से बता दिया। तो इस तरह से हमने आलेख विधि को भी सीख लिया। एक क्वेश्चन और बच जाता है जो आपके एक साल देखने के लिए मिल गया था, एक टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया था, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन कर देता हूं। आ जाओ, तो प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में बात कर रहा हूं, जो बहुत ही छोटा सा बनने वाला है, और यह पूछा गया था 2022 यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, सेट एबीसी में। बहुत ही छोटा सा बनने वाला सवाल है, मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करने में। आ जाओ, के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। और कोई भी हल ना हो प्राप्त कब होता है, आलेख विधि। बच्चों मैंने कहा है कि दो रेखा एक दूसरे के समांतर होते तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ। मुद्दा यह है कि सर हम इसको बनाएंगे कैसे, तो मेरे रहते हुए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको हल करके दिखाता हूं। देखो, चलो यहां पर मैंने लिखा हल, तो हमें यहां पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहली बात तो मैं दोनों समीकरणों को उतारना चाहूंगा, ठीक है। तो दिया है समीकरण, क्या क्या समीकरण दिया है, मैं दोनों समीकरणों को उतारना चाहूंगा। पहले लाइन में दिया है समीकरण KX-5Y=2, ये दिया गया है 2। क्या दिक्कत है अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूंगा तो? कोई दिक्कत नहीं सर, हमने मान भी लिया। समीकरण 2, तो समीकरण दूसरा हमारा क्या था, 6X+2Y=2 क्या है, ये है 7। इसको समीकरण 2 मान लूंगा तो क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो हमें दो समीकरण दिए थे, हमने समीकरण 1 और 2 करके मान लिया। यहां तक कि अगर कहानी क्लियर है तो हाँ बोलो, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या है, हमें K का मान निकालना है। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, K का मान हमें ज्ञात करना है। अब K का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखो आ जाओ मैं आपको बताता हूं। देखो, तो मैं यहां पर एक लाइन लिखने जा रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़ना। देखो, तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, देखो समीकरण 1 की तुलना मैं करने जा रहा हूं A1X+B1Y=C1 से करने पर। जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों बता दो मुझे, क्या मिलेगा? A1, B1 और C1 का मान हमें आसानी से मिलने वाला है। कैसे तुलना करेंगे, देखो अब आपका जो पूरा फोकस है वो कहां पर होना चाहिए, समीकरण नंबर 1 और ये जो समीकरण मैंने लिखा होगा वहां पर होना चाहिए। देखो, पहले वाले पद को हम देखते हैं, तो पहला वाला पद यहां पर क्या दिख रहा है, KX, और यहां पर दिख रहा है आपको A1X, तो ये X और ये X आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो A1 की जगह यहां पर आपको क्या दिखेगा, K दिखेगा, वही हमारा हो जाएगा A1 का मान हो जाएगा, अतः A1 बराबर आ चुका के। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है सर। दूसरा नंबर का पद देखते हैं, तो यहां पर है B1Y और यहां पर क्या है -5Y, तो ये Y और ये Y आपस में कैंसिल, तो B1 की जगह यहां पर क्या दिखेगा, 5 नहीं बोलेंगे, 5 कोई भी नहीं बोलेगा, 5 नहीं -5 है, क्या है, -5 है, तो यहां पर B1 बराबर हमें मिल चुका है -5, क्या मिल चुका, -5 मिल चुका। बराबर के बाद यहां पर C1 है और यहां पर क्या है 2 है, और यही हमारा C1 का मान हो जाएगा, तो C1 बराबर हमें मिल चुका 2, C1 बराबर क्या मिल चुका 2 मिल चुका। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या सर? हाँ बोलो, ठीक। चलो देख, तो जैसे मैंने समीकरण 1 के लिए किया था ना, उसी प्रकार से अब मैं समीकरण 2 के लिए भी करने जा रहा हूं। क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं लिखूंगा फिर से समीकरण 2 की तुलना, समीकरण
दो की तुलना, चलो बोलो किससे करूंगा, तो समीकरण दो की तुलना, इसको देखो A1, B1 और C1 की जगह A2, B2 और C2 चिपका देना, चिपका दो, ये हो जाएगा A2X plus B2Y is equal to C2 से करने पर। तो देखिए बच्चों, अब इस समीकरण के और समीकरण दो के पहले वाले पद को देखिए, पहले वाला पद क्या है A2X है और यहां पर क्या है 6X है, ये X और ये X को कैंसिल कर दूंगा, क्या दिक्कत है, तो A2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा A2 बराबर 6, A2 बराबर हमें क्या मिल चुका 6 मिल चुका सर, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर दूसरे वाले पद में आते हैं B2Y है और यहां पर क्या है 2Y, तो ये Y और ये Y कैंसिल हो गया, तो B2 जगह हमें क्या मिल चुका 2 मिल चुका, ये हमारा हो जाएगा B2 बराबर 2 हो चुका, B2 का मान हमें मिल चुका, कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक। बराबर के बाद यहां पर C2 था, समीकरण दो में बराबर के बाद क्या है 7 है, वही हमारा C2 का मान हो जाएगा, C2 बराबर हमें मिल चुका 7, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान हमने ज्ञात कर लिया सर, लेकिन मुद्दा यह है कि इसका मान का हम करेंगे क्या, इन सभी मानों का हम करेंगे क्या, क्या इसका काम है, अब मैं बताने वाला हूं कि इन सभी मानों को हम करने क्या वाले हैं। देखिए अब अपने प्रश्न में आइए, एक बार और पढ़िए, क्या बोला था कि जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल ना होता है, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी समीकरण को कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको दो जो सरल रेखा प्राप्त होंगे, दोनों जो रेखा है वे समांतर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, समांतर मिलेंगे। तो अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे, कैसे करेंगे आगे की कहानी में, देखो तो पहले मैं यहां पर कंडीशन को लिखने वाला, जो बुक में दिया गया था, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था, चूंकि चूंकि समीकरण निकायों का, चूंकि समीकरण निकायों निकायों का कोई भी हल, कोई भी हल, कोई भी हल प्राप्त नहीं होते, प्राप्त नहीं होते, तो जब समीकरण निकायों के कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं तो क्या होता है, इसलिए इसलिए यहां पर अब आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा, जब समीकरण निकायों के कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं तब आपको एक कंडीशन याद करना पड़ेगा, वो कंडीशन क्या है, चलो मान ली देता हूं, ये होता है ए वन बटा ए टू इज इक्वल टू बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू होता है, ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रख लेना, कब के केस में, जब समीकरण निकायों का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। आ जाओ, A1 और A2 का मान हमने निकाल लिया है, बस यहां पर रख देते हैं, तो A1 का मान क्या था, A1 का मान था k और A2 का मान था 6, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या, तो A1 का मान था k, A1 का मान क्या था k, A2 का मान था 6 बराबर, फिर B1 का मान क्या था, B1 का मान था ऋण 5 और B2 का मान क्या था, तो B2 का मान था 2, तो यहां पर मैंने लिखा 2, नॉट इक्वल टू लगाया, ये नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगा दिया, C1 का मान, तो C1 का मान क्या है 2 है, तो यहां पर मैंने लिखा 2, C2 का मान क्या रखेंगे, तो यहां पर है बटे में 7, तो बटे में मैंने लिखा 7। चलो कोई भी दो पदों को लेकर हल करना है और हमें k का मान निकालना है, मैं इन दोनों पदों को लेकर हल करूंगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, k बटा 6 बराबर माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना है k का मान, तो देखो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और ये 2 3 अच्छा है, नीचे को नीचे से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो k बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3 गुणा करेंगे 3 का गुणा करूंगा ऋण 5 से, तो हमें मिल चुका ऋण 15, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, k इज इक्वल टू हमें मिल चुका ऋण 15, और k का ही तो मान हमें ज्ञात करना था ना। वापस आइए अपने प्रश्न पर, और पूछा क्या गया था, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान हमने निकाल लिया ऋण 15 है, ठीक है, अब इस बात को हमें लिखना पड़ेगा, देखो अतः अतः k बराबर ऋण 15 प्राप्त हुए, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, पूरा में पूरा नंबर आपको मिलने वाला छह में छह नंबर मिलने वाला, कहीं पर भी एक नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा अगर इस तरह से अब अपने आंसर को लिखते हो। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अध्याय तीन में छह महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है, दो दो क्वेश्चन करके तीन पार्ट में आपको वीडियो दिए हैं, सभी के सभी जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 100% पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, छह क्वेश्चन को आपको कर लेना है, छह में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। बच्चों में मानते
चाहता हूं कि मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हुआ है क्योंकि मैं आपके एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आया हूं। तो हम हर एक चीज एकदम बेसिक से एकदम डीपली नहीं पढ़ सकते हैं। किसी बच्चे को लगता होगा कि सर मेरा बेसिक एकदम कमजोर हो गया है, मुझे अपने मैथ्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों, मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अभिप्सा ऐप को सर्च करके आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों क्लास के जितने भी आपके चैप्टर होते हैं, जितने भी आपके सिलेबस है, सबको एकदम क्रम से एकदम खूबसूरत अंदाज में पढ़ाया हुआ है। जाकर आप वहां पर विजिट करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, पूरे में पूरे अंक आप ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां पर मैं बात करूंगा अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पीवाईक्यूज पर, और क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने पढ़ाया बच्चों उसको अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन करना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कोई भी बच्चा इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन नहीं किया, नोट से नहीं बनाया है, तो मेरी बातों को माना करो बच्चों। बिल्कुल आपको कॉपी बनाते हुए चलना है, लिखते हुए चलना, ये आपके लिए ही बोला जा रहा है, आपको ही इसका रिजल्ट लास्ट में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।